गुलबर्ग हेडलाइंस की नई ऑफिस का इफ्तिताह 17 मार्च 2024 बरोज इतवार यानी 6 रमज़ान को यहाँ पर नौशीन कॉलोनी में रखा गया है, जिसके लिए मैं इस गुलबर्ग हेडलाइंस के एडिटर इन चीफ जनाब वसीम शेख को और उनकी टीम को मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की एक मेहनत, लगन और अवाम की बात को लेकर मीडिया के ज़रिए से लोगों को बेदार करना ये मामूली बात नहीं है। अपनी आवाज़ के ज़रिए से लोगों को बताना कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि ऐसे हालात में जहाँ पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, जहाँ पर मीडिया होता है, मीडिया आज का मीडिया आप देख रहे हैं कि मीडिया किस तरफ जा रहा है। मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चौथा अहम पिलर है, लेकिन वो अहम पिलर किसी एक शख्सियत को उभारने का काम कर रहा है। लेकिन मीडिया की हकीकत में एक जिम्मेदारी होती है कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचाए और उनको बेदार करे, ताकि वो लोगों को मालूम पड़े कि सही क्या है और गलत क्या है। और यहाँ पर गुलबर्ग हेडलाइंस लोकल सतह पे जो काम वसीम शेख पिछले 2014 से कर रहे हैं वो एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि गुलबर्ग शहर में जब जब भी गलत होता है, जब जब भी नाइंसाफ़ी होती है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो सबसे पहली आवाज़ गुलबर्ग हेडलाइंस की आती है और लोग उसको देखते हैं, उसके ऊपर यकीन करते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर गुलबर्ग हेडलाइंस एक लोगों के दिमागों में है कि गुलबर्ग हेडलाइंस पे जब न्यूज़ आएगी तो वो न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर मैं वसीम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रेडिबिलिटी आप जो सच्चाई की बात लोगों के सामने रखते आए हैं, उसी तरह से आने वाले दिनों में भी आप लोगों के सामने उसी अंदाज में आप रखेंगे कि बयास नहीं होना चाहिए, किसी के तरफदारी में या किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर वो अवाम के लिए ठीक नहीं है, तो वो बात लोगों को बताना भी ज़रूरी है, जिसके और वो हमेशा वसीम करते भी आ रहे हैं। मैं वसीम को मैं और उनकी तमाम टीम को मुबारकबादी देता हूँ। बहरहाल गुलबर्ग हेडलाइंस की नई ऑफिस की इफ्तिताह या नौशीन कॉलोनी एफके टावर्स में है, तमाम लोग आइए, वहाँ पर इफ्तारी और ताम का भी इंतज़ाम किया गया है, वक्त से पहले आइए, ताकि यहाँ पर एक जो नौजवान लड़का है उसकी और उनकी तमाम टीम की हिम्मत अफजाई हो।